नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, तुम देख रहे हो सिटी की हलचल। जिदा कि तुम्हें पता ही है कि शहर की हर अपडेट लैके थोड़े सामने सब तो पहला रूबरू होने हैं। तो अज की सब तो वड्डी अपडेट यह है कि नंगल की आई टी आई के रात लगभग 7:30 बजे एक चीता देखा गया जिन्हें कुत्ते का शिकार किया। यह सारिया तस्वीर आई टी आई के लगे सीसीटीवी कैमरे कैद हो चुकिया। आई टी आई के प्रिंसीपल है, उन्होंने इस चीज़ की जानकारी वन विभाग को देती है। वन विभाग की टीम ने मौके का दौरा किया, जाँच की और शाम तक इतने पिंजरा लगाने की जानकारी दी है कि शिकार के नाल शाम पिंजरा लगाता जाऊगा ताकि जो तेंदुआ है तेंदुए फड़ के जो बच्चों दहशत का माहौल पैदा होया उन्हें खत्म किया जा सके। तो थोड़ा तस्वीर दिखा दिना एक बार सीसीटीवी दी भी है, तो आई टी आई परिसर दस्वीर दिखा दिना कि परिसर बनया हुआ। नंगल में तेंदुए की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही और नंगल में कभी कहीं तो कभी कहीं तेंदुआ होने की बात सामने आ ही जाती है। और ताजी जानकारी सामने आई है नंगल की सरकारी आईटीआई से, जहां रात लगभग 7 बजे एक तेंदुआ देखा गया जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुकी हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक तेंदुआ आईटीआई की बाहरी दीवार फांदकर आईटीआई में घुसता है और एक कुत्ते को उठा ले जाता है। फिलहाल इस बात की चर्चा होते ही आईटीआई से शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र और नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पहले सुने क्या कहा छात्र सुमित ने सिटी हलचल से बात करते हुए। बोला अपना सुमित जी। सुमित की कहना चाहते हो, तुम आईटीआई पढ़ते हो, इतने तेंदुआ रात देखा गया, की कहना चाहते हो? राती तेंदुआ ही जो कि कुत्ते नु चक के लै गया जी। सानू भी डर है जी, सानू ना कोई कर दे कुछ, मतलब सानू डर है, मतलब फटाफट इन्हू वो कर किया जाए जी, अपना लै गए जिदा जी अपना कौन केड़े होंगे जी जंगल लै गए जाए। हाँ जी, इस बारे में और जानकारी देते हुए क्या कहा छात्र मुकेश कुमार ने सिटी हलचल से बात करते जे भी सुने। मुकेश की कहना चाहते हो, तुम्हें भी जिदा पता लगे होना तेंदुआ कल रात ही तेंदुआ आया इधर, कई जानवर अटैक होया जी, साडी यह अपील है भी लै गए जावे जी तेंदुए। आईटीआई नंगल में बतौर सफाई सेवक सेवाएं देने वाले संजीव कुमार ने सिटी हलचल से बात करते क्या कहा जे भी सुने। बोलो, मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव, आई टी आई चौकीदारी करते हो? मैं सफाई सेवक। सफाई सेवक, जो तेंदुआ देखा गया इतने की कहना चाहते हो? तेंदुआ जी तो कई दिन से घूम रहा, पहले भी 2-3 कुत्तियां साड़ियां इतने सूई, उन्हें सारे बच्चे मार मार के खाई जाया करते, तो रात को जो चौकीदार है जो करे करते, ये साढ़े चौकीदार भी जान का खतरा है। की कहना चाहते हो? अभी तो यही कहते जी, अफसर ने भी यही कहा वन विभाग को सूचित करके इन्हां जानवरां नूं जिहड़ा पकड़ के जंगलां विच भेजा जावे। उधर तेंदुए की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद होते ही आईटीआई नंगल के प्रिंसिपल गुरनाम सिंह ने भी जंगली जीव सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दे दी है और विभाग की टीम ने भी मौके का जायजा लेते हुए और सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई तस्वीरों को देखने के उपरांत खूंखार तेंदुए को पकड़ने के लिए आज ही शिकार सहित पिंजरा लगाने और नाइट गश्त बढ़ाने की बात कही है। क्या कहा इस बारे में और जानकारी देते नंगल आईटीआई के प्रिंसिपल गुरनाम सिंह ने सिटी हलचल से बात करते आप भी सुने। गुरनाम जी, दसो की जानकारी है? सर, रात कोई 7:30 बजे के करीब आईटीआई के कैंपस में तेंदुआ देखा गया, और तेंदुए ने एक जो कुत्ता से बच्चे का शिकार किया, वो सारी जी घटना सी साढ़े जो कैमरे लगे हुए सीसीटीवी उस कैद हो गई। तो ये संबंध में पहला भी कई बार देखा गया इतने, पर पहले कैमरे नहीं आया कभी भी, ये फर्स्ट टाइम है भी हम कह सी कैमरे भी आ गया। इस संबंध में संबंध विभाग है, वन विभाग से उन्होंने बुलाया से, इतने बुला के जानकारी देती, चिट्ठी भी लिखती उन्होंने, तो उन्होंने वालों आश्वासन दिता गया वो असं भी कैमरा लगावे इतने, तो जो भी कार्रवाई होगी वो बंदी करेंगे। तो गुरनाम जी, बच्चों फिर दहशत इस माहौल में लैके की सुरक्षा कर रहे हो? देखो, बच्चे डरते तो होंगे ही है जी, बच्चे होंगे ही है, इस तरह भी चलो बच्चे सहमत रह गए इस गल तो, फिर भी है जी असं बच्चे ये अवेयर किया सावधान रहने वास्ते, तो दिन चला वैसे भी घट आता है, रात में आता ज़्यादातर, इस करके बच्चे बहुत, चलो फिर भी अवेयर किया। सिटी हलचल अपने दर्शकों से अपील करता है कि अगर आप नंगल की आईटीआई रोड पर सैर करने जा रहे हैं तो सावधान होकर निकलें, क्योंकि यह खूंखार आप पर भी हमला कर सकता है। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। अजोली मार्केट में खुल गई है चश्मों की नई दुकान वशिष्ठ ऑप्टिकल। यहां आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रांडेड चश्मे, वो भी बाजार से काफी कम दाम पर। नजर के चश्मे लगवाने वालों की नजर
पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुल्क जांच करने के उपरांत ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार चश्मा चंद मिनटों में ही उपलब्ध करवाया जाता है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता नोट करें, वशिष्ठ ऑप्टिकल, नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग, निकट गोल्डन पैलेस, अजोली मोड़, जिला उन्ना। हमारा फोन नंबर 99155 84190।